हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संख्या पद्धति का यानी नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। यानी ज्यादातर आप लोग देखोगे जैसे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो, इन सभी में एक क्वेश्चन डेफिनेट रिमाइंडर थ्योरम से बनते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कितने तरीके के क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में बनते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, फैक्टोरियल के फॉर्म में वैल्यूज आते हैं, रिपीटिशन के फॉर्म में आते हैं, किसी के पावर के फॉर्म में आते हैं और जनरल तरीके से एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आते हैं। तो चलिए आइए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं। बाकी आप लोग सर को जानते ही हैं, जिसको ज्वाइन करना है बिल्कुल यू कैन। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम मीन्स ये हुआ, देखो जैसे आप लोगों को बोल दिया जाए कि हम सपोज 23 है, 23 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई, 5 से। तो कितनी बार जाएगा, 5 × 4 = 20, यानी 4 बार जाएगा, तो 4 यहां पर लिखते हैं और कितना बचेगा, 3, यानी अब नहीं जाएगा। जो नहीं जाएगा यानी अब ये बच गया, इसी को आप लोग क्या बोलोगे, रिमाइंडर बोलोगे यानी शेषफल बोलते हैं। अच्छा, आप लोग इसको बोल सकते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, 5 को हम लोग बोलते हैं डिवीजर, जिससे डिवाइड करते हैं यानी भाजक बोलते हैं, और 4 का मतलब भागफल बोलते हैं, और ये नंबर है यानी जो हमारा संख्या है, यानी जो हमारी संख्या होती है ये क्या होता है, संख्या जो होती है ये जो है 5 से डिवाइड करोगे यानी भाजक, भाजक का मतलब जिससे भाग करोगे, इनटू जो क्या होगा, भागफल आएगा, यानी भागफल आएगा, यानी भागफल क्या आया, देखो 4 आया, और प्लस शेषफल के बराबर होता। आई होप सभी स्टूडेंट ये जानते होंगे। तो इसका मतलब संख्या यानी आप लोग नंबर को n से लिखो, नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां नंबर्स की बात करो, पूरा चलो लिख दो, यानी संख्या जो होती है, अगर इसको इंग्लिश में समझोगे तो क्या होगा, इंग्लिश का मतलब टर्म्स को यहां डिवीजर ध्यान दो इनटू क्वेटेंट, ठीक है, और प्लस क्या होगा, रिमाइंडर। ध्यान दो हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आज और रिमाइंडर की बात करेंगे, वही भाजक और भागफल का कोई योगदान आज की क्लास में नहीं होता, यानी सिर्फ और सिर्फ शेषफल की बात हम लोग आज करेंगे। तो किसी भी नंबर को जो डिवाइड करो, देखो इजिली एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन क्या हर बार इतना आसान थोड़ी होगा। अच्छा, हर बार इतना आसान नहीं होगा, तो जो आसान नहीं होगा वो किस तरीके से बनेगा वो देखिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये हुआ कि जो कुछ बेसिक्स नंबर है, जैसे 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 का, 7 का, 8 का, सबका हमें बेसिक डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। देखिए अभी तो हमने डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस नहीं किया है, बाकी आप लोगों को पता होगा, हम क्वेश्चन के फॉर्म में उसे रिलेट करते जाएंगे। जैसे भाई अगर 2 का हमें पता डिविजिबिलिटी लास्ट का 1 डिजिट, वैसे 4 का, 8 का, 16 का ये टर्म चलेगा, 5 का पता 25 का पता है, 3 का पता है तो 927 का पता है, ये हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल भाई आप लोगों को अगर कंफर्म हो गया, इसके बाद देखो आप लोग करना क्या है, सबसे पहले जो रिमाइंडर होता है वो अलग अलग तरीके से कैसे निकालते हैं, सबको पता, जैसे ये 23 है, सबको दिख रहा होगा भाई हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 × 4 = 20 हुआ, रिमाइंडर कितना, 23। यानी एक रिमाइंडर हमेशा, एक भी ये चीज ध्यान देना, जो शेषफल होगा वो हमेशा इक्विवेलेंट या ग्रेटर देन 0 होगा। भाई अगर नंबर डिविजिबल हो जाएगा तो शेषफल 0 आ जाएगा, नंबर अगर डिविजिबल नहीं हुआ, विभाजित नहीं हुआ, तब शेषफल कुछ आएगा, लेकिन जो आएगा वो हमेशा भाई प्लस में आएगा, कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता, ध्यान समझिएगा, शेषफल ऑलवेज प्लस में होता है। ओके, तो फिलहाल देखो इसको क्या करेंगे, एक तरीका हुआ भाई 5 × 4 जा और कितना, 3 बचा, एक तरीका तो ये हुआ। अच्छा, थोड़ा सा एक और तरीका हुआ, अगर हम पहले समझने के लिए डिफरेंस अगर माइनस में चाहें, जैसे हम ये कहें भाई तो 5 का टेबल हम 23 से एक बार और ज्यादा ले जाए, 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25, तो 5 का टेबल 5 × 5 = 25 हुआ, अगर हम 5 बार ले जाएंगे इसका मतलब 23 से 25 दो ज्यादा है, तो जो ज्यादा बार ले जाएंगे जितना नंबर ज्यादा होगा माइनस में कर दो भाई, रूल तो यही होता है, हमें कम बार ले जाना है उसके बाद, लेकिन मान लो हम बियॉन्ड द रूल की बात करें, मतलब माइनस में हम नियरेस्ट की बात करें, ये भी कर सकते हैं भाई, एक बार ज्यादा ले गए तो जितना, यानी 5 × 5 = 25 हुआ, तो 25 23 से कितना ज्यादा, 2 भाई, यहां -2, जब माइनस लिख उठेगा
तब ये माइनस में रिमाइंडर तो होता नहीं है, प्लस में लिख उठेगा तो वेरी गुड डायरेक्ट आ गया, लेकिन माइनस में लिखेगा भाई तो करोगे आप लोग क्या, जिससे भाग कर रहे हो और जो रिमाइंडर माइनस में है उसी को घटा दो ना, तब भी तीन आ गया। देखो रिमाइंडर आंसर सेम आएगा, लेकिन कहने का तरीका है कि पहली बार आप लोग प्लस में कर रहे हो या माइनस में कर रहे हो। जैसे आप लोगों से बोल दिया जाए भाई कि बताइए, ध्यान से समझिएगा, यहां पे 47 है तो 47 को 9 से डिवाइड करो। सब कहेंगे सर 9 पचे 45 प्लस 2, और ये कहेंगे क्या सही भी है। यहां अगर माइनस कर दो 9 पचे 45 9 6 54, थोड़ा टफ भी हो जाता है। लेकिन अगर हम इसी की बात करें, ध्यान से समझिए, हम कहें भैया 80 डिवाइड बाई 9, अब क्या करोगे 9 8 72 प्लस 8 है कि नहीं, 9 8 72 और प्लस 8 रिमाइंडर। एक तो तरीका यह हुआ कि देखो 9 8 72, यानी 72 और 80 का डिफरेंस ज्यादा है, इस डिफरेंस को कम करने के लिए हम चाहे तो माइनस में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है भाई। तो हम क्या करें, देखो 9 9 81, 9 9 81 हुआ, अगर 81 करेंगे तो इसका मतलब 81 80 से एक ज्यादा है, तो जो एक ज्यादा है तो ये माइनस कर देना। हमने 81 लिखा तो 81 से एक कम करेंगे तो 80 आएगा, हम माइनस में रिमाइंडर लिख दिए। अगर माइनस में रिमाइंडर लिख दिए इसका मतलब माइनस रिमाइंडर होता नहीं है, तो एक और स्टेप बढ़ा देंगे, यानी एक और स्टेप सॉल्व करेंगे, जिनसे डिवाइड कर रहे हैं उनमें से रिमाइंडर घटा दो 8, आंसर तब भी आएगा। मतलब लेकिन आसान भाई, माइनस वन है, 9 81 माइनस 1 समझते ही समझ जाएंगे, 9 1 यानी 8 रिमाइंडर आएगा। और दूसरा तरीका यह भी हुआ, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ये आप लोगों को डिसाइड करना है, जज करना है, या कि हम रिमाइंडर को माइनस में नियरेस्ट लाएं या प्लस में, क्या हमारे लिए आसान होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड सब में होगा, तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से रिपीटेशन वाले, फैक्टोरियल वाले और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम को रिलेट करते हैं। तो चलिए बिना रिलेट किए, यानी बिना रिलेट का मतलब बिना जो है टाइम गंवाए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। हम बात कर रहे हैं भाई आज किसकी, शेषफल की बात करेंगे, रिमाइंडर की बात करेंगे। चलिए पहला जो ओरली आप लोग बता सकते हो, चलो बताओ ओरली बता सकते हैं तो बिल्कुल बताएंगे ओरली, और क्या बताएंगे आंसर बताएंगे भाई। देखो 83/9 आप लोग बताओ, 9 का टेबल सबको पता भाई, 9 9 81, 81 और 2 83, यानी प्लस का दो। जैसे प्लस का दो आ गया इसका मतलब भाई रिमाइंडर प्लस का दो, प्लस में आ गया तो भाई रिमाइंडर। एक और तरीका था लेकिन यहां वो शायद अप्लाई करोगे तो टफ होता, क्या करते भाई, ये होता 9 9 81 9 9 90, मतलब 90 अगर ले जाते तो -7 करते ना, और फिर वही चीजें यानी 9 में से फिर 7 घटाते। देखो ये तो था पहला तरीका, डायरेक्टली आ गया। दूसरा तरीका था कि 9 9 90 एक बार और ले जाते, -7 करते और फिर जो है भाई 9 को 7 से घटाते, 2 आता रिमाइंडर। लेकिन क्या ये इस्तेमाल करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम जो है कोशिश करते हैं कि चीजें आसानी से सॉल्व हो, रिगिड ना बनाए। माइनस हमारी सुविधा के लिए है ना कि जरूरत के लिए है, तो सुविधा को सुविधा के तरीके से ही यूज करें भाई। देखो इसको ध्यान दो, इसको ध्यान दो, क्या कहोगे 70 में 8 का, 8 का टेबल सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता होगा भाई, 8 28 64, देखो 8 8 64 और कितना 64 प्लस 67, यानी एक तरीका तो हुआ प्लस का 6 भाई, आंसर हमें पता प्लस का 6 इतना आसान है तो प्लस का 6 बिल्कुल क्या होगा आंसर होगा भाई। लेकिन एक और तरीका कह सकते थे, क्या कह सकते थे, जो कह सकते थे वो हम लोग देख रहे हैं। ये कह सकते थे भाई 8 8 जा 64 जा 8 9 जा 72 हुआ, 8 9 72, यानी इसका मतलब 72 से 2 घटाओगे तब 70 आएगा। यानी माइनस में अगर हम करना चाहते तो -2 कह सकते थे भाई ना, और क्या कहते अगर माइनस में कह देते तब रिमाइंडर क्या होता, देखो 8 -2 जिससे डिवाइड कर रहे उनमें से घटा दो, 8 -2 का मतलब रिमाइंडर हमारा कितना होगा, रिमाइंडर 6 तब भी होगा। आंसर पहले वाले से भी आएगा, दूसरे वाले से आएगा, लेकिन आप लोगों को चुनाव करना होगा, मतलब डिसाइड करना होगा भाई कि बताइए कि पहला रूल अप्लाई करें या दूसरा रूल। फिलहाल 8 का टेबल सबको पता है, कोई भी अप्लाई कर लो सही है। चलिए 13 का भी टेबल पता होना चाहिए, नहीं पता भाई सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये कंपटीशन का रूल है, जिनको 1 से लेके 20 तक टेबल नहीं याद होगा वो कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाए, कंपटीशन नहीं
वो मिरकल है कि वो निकल जाते हैं, अदरवाइज जो है 20 तक टेबल जो भी क्वालिफाई करते हैं एग्जाम वो सबको पता होता भाई, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी सेव करना है। यानी आप लोगों को ऐसा नहीं कि हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 मिनट है, सोचो मनन करो तब सॉल्व करो, नहीं, विद इन टाइम सॉल्व करना है। उसके लिए सिंप्लीफिकेशन भी आना चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, टेबल मल्टीप्लीकेशन के कुछ रूल्स, ये सब बेसिक चीजें हैं, पता होना चाहिए। फिलहाल इस पे आते, 13 का टेबल हम मान के चल रहे सबको आता है भाई। तो आप लोग करोगे देखो, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 6 78 हुआ, और 13 7 जा 13 7 91 हुआ। आई होप सबको पता होगा। अब आप लोग डिसाइड करो कि बताओ, एक ही बताएंगे क्या करें, प्लस वाला है माइनस वाला। प्लस वाला करते हो तो 13 6 78, तो 78 का मतलब 89 78 से कितना ज्यादा है, 89 प्लस 1 90, 9 ज्यादा है 78 से 89, 9 2 11 ज्यादा भाई, 11 मोर देन है, ध्यान समझिएगा। यही तो करोगे, हम ही कह रहे हैं भाई, 89 को डिवाइड करोगे तो 13 6 78, यही करोगे नहीं करोगे, यानी 11 ज्यादा है, तो प्लस का 11 रिमाइंडर ये होगा। तो बताओ ये आसान है या एक और दूसरा तरीका ये आसान है। 13 7 91 यानी 2 ज्यादा है, यानी 13 माइनस 2 11, तभी आया नहीं है। तो बताओ कौन सा इसमें आसान है, हमें तो भाई आसान माइनस वाला लग रहा है, अब जरूरत माइनस वाले की ज्यादा है। तो आप लोग दोनों पता होना चाहिए, दोनों को साथ लेकर चलना है, लेकिन जिसकी जरूरत है उसको करीब लाना है, मतलब ये समझो जिसकी जरूरत है उसको अप्लाई करना है, करीब लाना है। जैसे यहां माइनस की जरूरत थी भाई, जब माइनस वाले की जरूरत थी तो डायरेक्टली करते, 13 7 91 माइनस 2 का मतलब 11 पहले पता है, तो हम क्यों ऐसे करें 13 6 78 89 78 11 डिफरेंस। ये थोड़ा सा हमें क्या करना है, प्रैक्टिस के माध्यम से सिलेक्शन करना है कि क्या आसान है। बताइए किसी को डाउट है भाई, हर टाइप के क्वेश्चंस रिलेट करेंगे, बस ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिए। चलिए इसको देखोगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन रिलेट किया गया। देखो 7 से टेबल पता है तो हम डिविजिबिलिटी इतना ध्यान मत दें कि भाई डिविजिबिलिटी है, पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी बताएंगे सारे का, लेकिन 7 का टेबल पता होगा ज्यादा आसान है। तो देखो 7 3 में जाएगा 7 5 35 जाएगा, 0 बढ़ाओगे, आंसर तो छोड़ देना है, बस शेषफल के साथ जो नंबर बचा होगा रख के हमें डिवाइड करते जाना है, आंसर को छोड़ना है, लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा ये ध्यान देना। जैसे 7 5 35 7 4 28, ये तो पहले ही कट गए, अब बचा 48, बचा 48 का मतलब हुआ 7 7 49। देखो अब ये 7 6 42 करोगे, यानी 7 6 जा 48 42 होता है, तो 7 6 42 में भलाई है कि 7 7 जा 49 और -1 करने में भलाई है। तो आप लोग बताइए कि इस प्लस वाले को साथ रखोगे या माइनस वाले को साथ रखोगे, जिसको रखना है कोई इशू नहीं है, दोनों रख सकते हैं, लेकिन रखना वही को जो हमें आसानी से आंसर बता दे। तो 7 48 में समझिए, अगर आप लोग 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 48 7 6 42 यानी +6 का रिमाइंडर +6 आएगा। दूसरा ये बस 48 7 49 -1 कर देंगे भाई, -1 देखते ही 7 -1 का मतलब हमारा रिमाइंडर 6 तो आएगा ही आएगा, यानी आंसर यही होगा, आंसर आ गया, क्या दिक्कत है। तो यहां शायद अब आप लोग को चुनाव करना है कि माइनस या प्लस वाले में, चलिए अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चुनाव करेंगे। फिलहाल अब देखो 12 से डिवाइड कर रहे हैं भाई, अभी फ्लैट डिवाइड करें कोई कंफ्यूजन। अब जैसे इनटू में है तो अलग अलग नंबर में अलग अलग रिमाइंडर का भी आप लोग रिलेट करो, फिर मल्टीप्लाई करो। जैसे देखो 12 से पहले इसमें करो 12 6 72, अब 83 है तो बताओ आसान क्या है, 12 6 72 83 में डिवाइड करना, 12 7 84 करना आसान है, 12 7 जा 84 करना आसान है, यानी माइनस वाले को साथ रखना कि 12 6 जा 72 और फिर उसके बाद 11 का डिफरेंस आसान है भाई, माइनस वाला यहां पे। तो यहां पे 12 से 84 देखो, ध्यान देगा 84 यहां माइनस कर दो, यानी यहां माइनस वाला आसान था, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहां इनटू। अब यहां देखो सेकंड नंबर 10,886 में फिर से 12 से डिवाइड करोगे, क्या करोगे भाई, देखो 12 9 108 वो जान की कंफ्यूजन, अब 86 है तो आप लोग बताओ 12 6 72 12 7 84 आसान प्लस वाला, 12 7 84 प्लस का दो
तो आसान क्या है भाई यहां प्लस का दो वाला, ये आप लोगों को क्वेश्चन बताएगा कि आसान कौन सा है, किनमें क्या अप्लाई करना है। अच्छा फिर देखो, अब इसमें करोगे ना 36-45 में, तो 12 तियाई 36 और 45 है, तो 12 दुनाई 24 तियाई 36 और 45 का अंतर ज्यादा है, और आसान क्या है 12 चौक 48, यानी चार बार ले जाएं और 48 हुआ और माइनस 3 कर दें तो भी सही है। मतलब आप लोग प्लस और माइनस को एक साथ रखने के लिए इंडिपेंडेंट है, चाहे प्लस वाला रखिए चाहे माइनस वाला, किसी में अलग अलग ये नहीं भाई पहले में प्लस रख रहे हैं तो अगले में माइनस रखेंगे या अगले में प्लस रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप लोगों को समझ में आए वो रखिए, यानी ईच नंबर को आप लोग 12 से डिवाइड करने में प्लस में रिमाइंडर रखना है या माइनस में, आप डिसाइड करो जो आसान हो। जैसे यहां में आसान था माइनस का, तो माइनस किया 12 7 84 माइनस 1 आसान था, 12 7 84 प्लस 2 86 प्लस वाला आसान था, ये 12 चौक 48 माइनस 3 45 हुआ माइनस वाला आसान था, इसलिए कर दिया भाई। अब करने के बाद क्या करो भाई, आप लोग जैसे दिया साइन के साथ माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक, और प्लस तो कोई मतलब नहीं, प्लस में आंसर आएगा, यानी अब रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करो भाई, 1 2 2 और 2 3 6 और 1 6 तो 6/12, 6/12 का मतलब ये हुआ भाई 6 में 12 से भाग करो, इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर जो आएगा वो उसको भी आपस में अगर 2-3 नंबर्स होंगे मल्टीप्लाई करो जो साइन है, अब 12 से भाग करो, कुछ लोग करेंगे 6 से कट कर दे, नहीं 6 नंबर है 6 में 12 से भाग करो भाई, 6 में 12 से भाग करो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, जाएगा ही नहीं तो वही रिमाइंडर बच जाएगा, जब जाएगा ही नहीं तो रिमाइंडर क्या होगा भाई, रिमाइंडर जो है 6 रिमाइंडर हो गया, ध्यान दीजिएगा जो ऊपर वाला था, अगर भागफल जो है यानी जिससे डिवाइड कर रहे हो, भागफल नहीं जिससे डिवाइड कर रहे हो, भाजक जो है रिमाइंडर से कम है यानी ऊपर वाले नंबर में भाग करना, तो वही रख दो कोई इशू नहीं है, तो यानी 12 0 × 12 0 हुआ और बचा कितना 6, एक बार भी नहीं जाएगा 0 बार जाएगा तो 6 बच जाएगा। किसी को डाउट है इसमें, यस अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार जरूर आप लोग जो है थम्स अप करके बताइए, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा, कोई डाउट नहीं है, और भाई लाइक जरूर करिए, जिससे क्या होगा थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। चलिए इसको बताओगे और इसी मोटिवेशन के साथ देखो यहां भी वही सेम क्वेश्चन है, और 17 का भाई टेबल नहीं याद है तो पहले टेबल लिखो और याद करो, टेबल मस्त है याद होना चाहिए। तो आप लोग देखो कैसे इनको रिलेट करोगे, ध्यान समझिएगा, 17 चौका 68 और 50 है, 17 दुनाई 34, 17 तिया 51, 50 में बताओ माइनस वाला नजदीक है कि प्लस वाला, 17 तिया 51 यानी माइनस वाला नजदीक है भाई, माइनस वन करोगे नहीं करोगे, कर दिया देखो इनटू जान के दिया, अब इसमें डिवाइड करना 17 5 85, अब ये 100 बच रहा है, 17 5 17 6 102 और 17 5 85 हुआ 15, ये 100 है 15 का अंतर है और 17 6 102 यानी माइनस 2 कर दो। आसान क्या है भाई, आसान माइनस वाला है तो प्लस क्यों करेंगे, फिर इसमें करोगे 17 8 136 82 है, 17 3 51 17 4 68 17 5 85 85 से नजदीक है 82 की 68 से, आप कहोगे 85 से, तो 17 5 85 माइनस कितना 3, 82 माइनस 3, अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस हुआ फिर माइनस, माइनस हो गया भाई 3 2 6 1 6, अब यहां -6/17 ध्यान समझिएगा, माइनस में कभी रिमाइंडर होता ही नहीं, जब भाग नहीं होगा माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता, तो क्या करोगे भाई 17 में 6 का टेबल जाएगा नहीं, तो जिससे भाग कर रहे हो ना जो ऊपर वाली वैल्यू है घटा दो, 17 में से 6 गया कितना हुआ, सबको पता है दुनिया को पता है 11, और अगर 11 पता है तो भाई वही आंसर होगा, ये सही आंसर है, 11 इज द करेक्ट आंसर। बताइए किसी को कहीं डाउट है तो प्लीज कंफर्म करिए, जैसे अलग अलग नंबर्स में डिवाइड करके आसान वाले क्वेश्चन, अभी कोई जो है कंफ्यूजन नहीं करना है, जिसको डाउट होगा वो भाग करके करेगा, और हमने जान के ऐसे कंफ्यूजन वाले नंबर दिए हैं कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सको। चलिए अभी तक इंटू में था, डायरेक्टली था, अब प्लस वाले भी आ गए हैं, 5 से डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता है ना, 5 से डिविजिबिलिटी रूल का मतलब कोई भी नंबर 3 4 5 6 7 8 लास्ट वाला जो नंबर होगा ना, ये यहां 0 और 5 होना चाहिए, और 5 का स्क्वायर 25 से क्या होगा 3 4 2 5 7 5, लास्ट का दो नंबर जो है
यानी टू डिजिट अगर 25 से डिविजिबल होगा तो नंबर डिवाइड होगा। यानी जब भी आप लोग जो है ध्यान से समझेगा, अभी हमने कोई ट्रिक उरिक नहीं ध्यान दिया, अभी डायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन 5 और 25 में ध्यान देंगे। वैसे 125 के लिए क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट का कितना 3 डिजिट चेक करेंगे। तो जैसे कोई भी बड़ा नंबर दिया हमें ध्यान नहीं देना है, मान लो जैसे यहां देखो, इसलिए कर रहे हैं, जैसे यहां था ना 895 में पहले 5 डिवाइड करोगे, भाई 89 तो छोड़ दो, 5 में करो, 5 में 5 से भाग करेंगे 0, यानी भैया ये डिविजिबल होगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, नहीं बचेगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा 693 तो पहले ही कट करो, बचा 4, लास्ट में 4 है, तो बताओ 4 में अगर 5 से भाग करोगे तो या तो प्लस 4 करोगे या माइनस का 1 करोगे, जो समझ में आए भाई, या प्लस का 4 करो या माइनस का 1 करो, लेकिन आसान है माइनस का 1, हमें तो माइनस 1 कर दिया, 2 पहले हटा दो, 5 × 10 माइनस का 1 या 5 × 1 = 5 प्लस 4, प्लस 4 कर सकते हो माइनस 1 कर सकते हो, ध्यान समझेगा, हम दोनों कर दे रहे हैं, जो आप लोग कहो वो कर दें, दोनों का मतलब एक ही करो भाई, यहां 4 तो यहां प्लस 4 भी लिख सकते थे और 5 + 5 यानी माइनस 1 ज्यादा माइनस कर सकते थे, यहां 9 था, लास्ट का डिजिट ही ध्यान देना, बाकी कोई मतलब है नहीं, 5 के लिए करोगे तो कोई मतलब नहीं है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ही है कि लास्ट डिजिट जो है 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कितना भी लंबी नंबर है इसके पहले वाले नंबर से कोई मतलब नहीं हुआ, लास्ट वाले नंबर में डिवाइड करोगे अपने आप रिमाइंडर पता हो जाएगा, स्पेशली 5 के लिए। अच्छा यहां देखो फिर से 3 पहले कट गया 3, तो 3 में 5 से डिवाइड करो, बताओ आप लोग माइनस से करें प्लस का करें, चलो प्लस से कर देते हैं, क्या करोगे भाई, प्लस का 3 वैसे है भाई, 3 में अगर 5 से डिवाइड करो प्लस का 3 ही है, चाहते तो माइनस का 2 कर सकते थे, कर दीजिए तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो तो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी प्लस, अब भाई सब प्लस करो, 3 -1 -1 -2 हुआ, -2 + 3 यानी 1, 1/5, तो 1/5 का मतलब यानी रिमाइंडर कितना होगा भाई, रिमाइंडर 1 में 5 से जाएगा नहीं, 1 शेषफल होगा, चाहे सबको जोड़ो उसके बाद रेट करो तब भी आंसर वही आएगा, ध्यान समझिएगा। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सर एक और तरीका हो सकता था, क्या हो सकता था, सबको जैसे 5, 4, 9, 9, 18 और 3 कितना हुआ, 18, 3, 21, 21 का मतलब 1, तो 1 आ गया डायरेक्टली, क्योंकि लास्ट डिजिट से मतलब है। एक और तरीका, मतलब हम कह रहे हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट मतलब 5, 9, 3, 12 और 4, 16 और 5, 21 का मतलब 1 आया, 1 में लास्ट डिजिट मिलेगा, 5 से भाग करोगे तो 1 ही मिलेगा, एक ये भी हो सकता है, लेकिन ये 5 में ही हो सकता है, अगर हम 7 से डिवाइड करें, 13 से डिवाइड करें तो फिर नहीं होगा, तो फिर अलग अलग ही करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको किया अलग अलग, फिलहाल आप लोग कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखो, आप लोग बताओ ध्यान से समझिए, अब इसकी कर रहे हैं, अगर 25 से किसी नंबर को भाग कर रहे हैं भाई, लास्ट के 2 नंबर डिजिट से मतलब होगा, लास्ट का 2 डिजिट 94 है, आप लोग बताओ 94 है 25 से भाग करो, या तो ऐसे करोगे 25, 3 = 75 और 93 में बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर 25 का 4 गुना कर दो, 25 का 4 गुना 100 और 94 का मतलब माइनस से, अब आसान है नहीं आ गया, बिल्कुल आसान हो गया, देखिए लास्ट के 2 डिजिट 25 + 75 यानी रिमाइंडर 0, जान के दिए कि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, 2 से कोई मतलब 90, अब आप लोग बताओ 90 है, हम क्या करें कि 25 + 75 + 15 90 हुआ और 2500 + 100 - 10 हुआ, तो जो समझ में आए वो लिखो भाई, हमें तो -10 समझ में आ रहा, -10 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा 693 तो कोई मतलब नहीं, लास्ट का 54 का मतलब क्या हुआ, 25 का 2 गुना 50 + 4 या +4, बिल्कुल +4 लिखोगे, क्लियर हो गया। अब सारे नंबर्स अगर आपस में प्लस का साइन है तो प्लस करो, माइनस का साइन है माइनस, क्या मिला भाई, -6, 0, -10, -6, -10, -16 और +4, -12, तो -12/25 का मतलब क्या हुआ भाई, भाई अगर माइनस में आ रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, तो भाई ऊपर वाले में डिवाइड होगा नहीं, मतलब टेबल जाएगा नहीं, तो क्या करोगे भाई, 25 में से 12 घटा दोगे तो क्या बच जाएगा, यानी आंसर रिमाइंडर इज 13। बताइए किसी को डाउट है तो प्लीज कंफर्म करिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ 25 के केस में एक और था कि हम नंबर को जोड़ के लास्ट 2 डिजिट निकाल ले सब में और उसको भाग करें तब भी आ जाएगा, लेकिन और सब में नहीं। तो तरीका हमें यह समझना कि भाई अगर किसी नंबर को प्लस कर रहे हैं, किसी से भाग कर रहे हैं, और भाग करने में ज्यादातर ऐसा होगा कि कंडीशनली कुछ होते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट कंडीशनली नहीं होंगे, ध्यान से समझिएगा, जो कंडीशनली नहीं होंगे वो क्या होंगे भाई, वो जो है
20 के अंदर तक होंगे, यानी 20 तक टेबल अगर पता है तो आप लोग डायरेक्टली भी रिलेट कर लोगे, बहुत ज्यादा डिजिबिलिटी का रूल जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ जो पता होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट नहीं होगा तो बिल्कुल एक बार चीयर अप करिए। नए क्वेश्चन को नए तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन, ओके, दिस फैक्टोरियल, आप लोगों को देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू परमुटेशन में बताए थे। जो लोग भाई परमुटेशन नहीं पढ़े, परमुटेशन अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताया था, कोई बहुत ज्यादा तीन धाम नहीं, एक ही क्वेश्चन को बार बार बताया था कि कितने तरीके से अरेंजमेंट हो गए और जो है वॉवल एक साथ होगा, ये सारी चीजें डिस्कस किए थे और ये सारी चीजें बताए थे। भाई जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, कुछ लोग जीरो समझेंगे, वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, टू की वैल्यू कितना होगा, टू इंटू वन यानी टू होगी, थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू बताया था भाई सिक्स होगा, मतलब फोर फैक्टोरियल का मतलब किसी भी नंबर को फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन यानी वन तक हमें लेके आना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, और आप लोगों को याद भी कराया था, निकालने का तरीका बताया था। ये चीजें परमुटेशन में आप लोग जाके बिल्कुल समझ लीजिए। फिलहाल अगर समझ रहे होंगे इस पे आते हैं क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन पे आते ध्यान समझिएगा। देखो पहले तो कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल, ऐसे कितना 10,000 फैक्टोरियल, क्या 10,000 फैक्टोरियल तक हम पांच पांच से डिवाइड करते जाएंगे? नहीं, तो क्या करेंगे? जब तक हमसे हो पा रहा तब तक डिवाइड करें, और कब तक हो रहा है क्या चीजें, अब देखो समझिए ध्यान से भाई, वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू समझिए, एक की वैल्यू एक होगी, ध्यान समझिए, एक की वैल्यू एक होगी, दो फैक्टोरियल की वैल्यू, इसमें आप लोग फाइव से डिवाइड करो, यहां लिखते जाते हैं, अलग अलग रिमाइंडर भी लिखते जाते हैं, ध्यान समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं करोगे भाई, मतलब एक फैक्टोरियल की वैल्यू एक, अगर पांच से एक में डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा, चाहे यही लिख दो प्लस का वन रिमाइंडर आएगा। दो फैक्टोरियल की वैल्यू कितना, टू की वैल्यू टू इंटू वन टू होगा, डिवाइड करो फाइव से कितना आएगा भाई, डिवाइड करो दो फैक्टोरियल वैल्यू दो तो दो ही आएगा या माइनस तीन, चलो प्लस का दो लिख देते हैं रिमाइंडर यहां, ठीक। तीन फैक्टोरियल की वैल्यू कितना, तीन इंटू दो इंटू छह आएगा, छह में पांच से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, पांच एकम पांच प्लस का एक, आसान क्या है, प्लस वाला आसान है, ध्यान समझे क्या करें। चार फैक्टोरियल की वैल्यू चार तीन दो एक यानी चौबीस, चौबीस में पांच से भाग करेंगे तो पांच पचम पच्चीस, आसान क्या है, माइनस वन, क्लियर है। पांच चौक बीस प्लस का चार भी कह सकते थे और पचम पच्चीस माइनस का एक कह सकते थे, आसान है माइनस का वन कहना, वेरी गुड। चलो यहां तक कितना हमने 24 तक होगा, अच्छा फिर पांच फैक्टोरियल, पांच फैक्टोरियल की वैल्यू पांच इंटू चार फैक्टोरियल या 120 होती है, चलो लिख देते हैं, जैसे पांच से करोगे लास्ट डिजिट जीरो है, तो लास्ट में जीरो अगर होता तो पांच से डिविजिबल है, या वैसे पांच फैक्टोरियल का मतलब फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल होता है तो पांच से भाग करोगे वैसे भी कट रहा है, समझ में आ गया। अगर पांच फैक्टोरियल कटा तो छह सात आठ जितने भी इसके बाद नंबर्स होंगे सब में फाइव आएगा, या समझिए सभी में जीरो जीरो बढ़ता जाएगा, जैसे पांच की वैल्यू 120, छह की वैल्यू 720, सात की वैल्यू 5040, आठ की वैल्यू 36288, नहीं 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 एट फैक्टोरियल की वैल्यू 40320 हुआ तो आगे जीरो आएगा, आगे यानी फाइव फैक्टोरियल होके गुजरेगा, तो इसका मतलब भाई आगे हमें चेक ही नहीं करना है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब मिथ्या है, ये जो है कंफ्यूजन के लिए दिया गया था बस। इतने नंबर से आप लोग बता सकते हो, यानी इसका मतलब ध्यान से समझिएगा रिमाइंडर क्या बना, ये देखिए भाई एक से डिवाइड किया प्लस वन प्लस टू, यहां से प्लस वन किया, यहां माइनस वन किया और ये प्लस जीरो, प्लस वन माइनस वन कितना कैंसिल हो गया, दो और एक कितना तीन, चलो यहां डायरेक्टली दे रहे थ्री डिवाइड बाई फाइव, यानी कंफर्म रिमाइंडर हमारा क्या होगा भाई, फाइव ए थ्री, प्लस का रहा तो थ्री होगा। बताओ किसी को डाउट है, आई होप समझ में आ रहा होगा, मतलब ये समझना भाई कि पांच जो भी यहां नंबर्स दिए हैं ना, पहले अलग अलग सम में डिवाइड करते जाओ, जब एक बार डिविजिबल हो गया, जैसे छह फैक्टोरियल जिससे डिवाइड होगा उसके बाद जो भी नंबर्स होगा सारे डिवाइड होंगे, क्योंकि सिक्स फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल जितने इसके बाद वाले नंबर है सब में आएगा, जब ये कटा तो सब डिविजिबल होगा, इसका मतलब सही है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया होगा तो बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन कुछ काम की बातें हैं। सिंघावलोकन, यानी सर ने इसको जो है पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाई है, जीके जीएस जिसको चाहिए होगा भाई, डिलीवरी फ्री है, यू कैन परचेज इट। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और आई होप ये सभी को समझ में आएगा। चलिए बताइए
क्या होगा। फिलहाल 10 फैक्टोरियल तक वैल्यू आप लोगों को पता होनी ही चाहिए, नहीं पता होगी तो कंफ्यूजन होगी। जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या आंसर इसका हो सकता है। चलिए, आप लोग कहेंगे इसका आंसर भाई फिर से वही चीजें, फिर से क्या वही चीजें, हम डायरेक्टली रिमाइंडर लिख रहे हैं। देखो 7 से 1 फैक्टोरियल की वैल्यू सबको पता है, पहले यहां पे चाहे बगल बगल वैल्यू दे, 1 की वैल्यू 1 होगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी ना, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होगी, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होगी, ये तो करोगे, बताओ समझ में आ रहा है। 5 की वैल्यू कितना, 120 होगी ना, 6 की वैल्यू, ऐसे करते जाओगे। तो हम अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, समझिए। अगर हम ध्यान समझिएगा, अगर हम ये 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 है, 7 को 1 से डिवाइड करें तो 1 ही रखें, ज्यादा आसान है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है तो 2 में 7 को डिवाइड करें तो प्लस का 2 होगा, रिमाइंडर ज्यादा आसान है। 3 यानी इसकी वैल्यू 6 है, अब बताओ आप लोग, अब ये इसकी वैल्यू 6 है तो आप लोग बताओ 6 में अगर 7 से भाग करेंगे तो आसान क्या है, प्लस का 6 लिख सकते हैं, 7 + 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस का 6 का 6 लिख सकते हैं या माइनस 1, हम माइनस लिख देते हैं, इसको 6 को हम माइनस में करते हैं, ठीक है, माइनस 1 कर दे। 4 की वैल्यू कितना, 24, ध्यान दी, 24 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 + 21 और प्लस का 3, ठीक है ना, 7 + 21 प्लस का 3, यानी बिल्कुल प्लस का 3 लिख दिया। ध्यान से समझिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा क्लियर कर लीजिए। अच्छा, ये कटेगा भाई, 5 की वैल्यू कितना, 120 होती है, 120 में डिवाइड करो, 7 × 7 = 4, 7 × 5 = 12 और 7 × 7 = 49 प्लस का 1, ध्यान दीजिएगा प्लस का 1, 120 में 7 से डिवाइड करो, 17 × 7 = 119 यानी 17 बार जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। अच्छा, अभी भी हो गया, अब आगे 5 के बाद 6 फैक्टोरियल भी तो होगा, तो 6 की वैल्यू भी आप लोग कंफर्म है, 6 की वैल्यू कितना, 720, 720 होती है क्योंकि 6 × 520 से गुणा कर दो, 720 में अगर डिवाइड करो भाई क्या आएगा, तो 7 + 7 हुआ और 0 × 7 = 28 और 7 + 21 यानी -1। देखो यहां 720 का मतलब 7 + 7 हुआ 20 को 7 × 14 प्लस का 6 कर सकते हो या माइनस का 1 कर दो, 20 का मतलब 7 + 21 - 1। अच्छा, अभी भी, अब भैया खेला शुरू हुआ, 7 फैक्टोरियल आगे भी होगा, यानी 7 फैक्टोरियल है तो डेफिनेट 7 फैक्टोरियल, 7 × 6 फैक्टोरियल कहोगे तो 720 यानी 5040 होता, 7 से कटेगा तो 7 फैक्टोरियल 7 से कटेगा, यानी अब रिमाइंडर 0 होगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक टेबल ले जाना होगा, इसीलिए जो डिवाइड होता ना बहुत टफ नहीं होता, वो जान के ऐसा होगा कि भाई 6-7 बार ले जाइए तो कट जाए। अब अगर 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 7 से डिवाइड करोगे 0, अब इसके बाद जितने भी होंगे सब में 7 फैक्टोरियल आएगा, सब 0 हो जाएगा, अब खेला खत्म, बस इसी से रिलेट करना है। और रिलेट कर दो, देखो +1 - 1, यहां से +1 - 1, 3 × 2 = 5, यहां 5 / 7 का मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 5, डायरेक्टली 5 कर दो भाई, क्यों हम -2 करके फिर घटाएं, बोलो किसी को डाउट है, अगर किसी को डाउट है तो भाई बताइए कन्फर्म हो जाए, क्लियर है या कन्फ्यूजन है, आप लोग कहोगे सर क्लियर है, अगर क्लियर हो तो भाई बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में है, यस यस, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन ध्यान ही नहीं दिए भाई, चलिए इसको बताओ, इसको अगर बता दिए तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग समझ रहे हैं, नहीं बता पाए तो भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये आई होप, देखो 999 फैक्टोरियल तक कितना कंफ्यूजन किया है आसान से क्वेश्चन को, और ये तो और आसान है, अगर हमें समझ में आ रहा है तो बहुत आसान है, या जिनको समझ में आ गया होगा उनको लग रहा होगा भाई इजी है, बस ये कंफ्यूजन के लिए दिया सर, तो क्या इजी है भाई, क्वेश्चन इजी है और क्या इजी होगा। ओके, देखो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 8 में 1 से डिवाइड करो तो 1 ही आएगा भाई, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 तो 8 में 2 से डिवाइड करो, आसान है 2 ही लिखो, 3 की वैल्यू 6 तो 6 लिख दो या -2, बताओ क्या लिखे, चलो हम प्लस का 6 ही लिख देते, कोई बात नहीं। 4 का वैल्यू 24 भाई, 8 + 3 = 24, अगर 24 8 से डिविजिबल है तो 0 रिमाइंडर हुआ, इसके बाद सारे नंबर डिविजिबल है, जहां भी डिविजिबल है वही स्टॉप कर दो, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जहां डिविजिबल है जिस नंबर से स्टॉप कर दीजिए, इसका मतलब दिस 6 × 2 = 8 और 1 = 9, 9 / 8 का मतलब रिमाइंडर कितना होगा भाई, 1 आंसर। और चाहे ऐसे करो, यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे माइनस का 2 का मतलब यहाँ पे -1 तो भी आ जाएगा, +1 यानी तब भी आ जाएगा 1 रिमाइंडर। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पिंग करिए, उसको जरूर ध्यान देंगे, कितना आएगा रिमाइंडर इज नॉट का मतलब 1, यानी ऑप्शन में नहीं है भाई, इसलिए दिया गया, समझ में आ गया, यानी यहाँ 3-4 वाला ही कट गया, 3 तक ही आप लोग वैल्यू रिलेट करके आंसर बता दोगे। चलिए इसको बताइए भाई, ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा बस ध्यान देना है, आंसर क्लियर हो जाएगा।
चलिए बताइए क्या आएगा। ओके चलिए लेट्स सी, फिर से अगेन वही रिमाइंडर यहां लिखते हैं, एक फैक्टोरियल की वैल्यू एक, नाइन में वन से डिवाइड करो, बिल्कुल वन ही सही है। दो फैक्टोरियल की वैल्यू दो, दो में नौ से डिवाइड करो, प्लस का दो ही सही है। तीन की वैल्यू छह, क्या लिखे भाई, छह लिखे या माइनस तीन, दो ऑप्शन है आप लोगों के पास। छह में अगर नौ से डिवाइड करो तो माइनस का तीन लिख सकते हो, या जो है छह ही रहने दो। चलिए हमने माइनस तीन लिख दिया। यहां चार का मतलब चौबीस, चौबीस में नौ से डिवाइड करो, नौ दुनी अठारह, छह चौबीस, प्लस का छह लिख सकते हो या नौ त्रि सत्ताईस, माइनस का तीन लिख सकते हो। तो क्या लिखा भाई, माइनस का तीन लिखा, माइनस कर दी, ज्यादा माइनस हो रहा। पांच की वैल्यू कितना, 120, 120 है, फिर नौ से भाग करो भाई, क्या लिखोगे, और लिखोगे वही जो लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, नौ इक्कम नौ, तीन बारह, नौ त्रि सत्ताईस, प्लस तीन मतलब सत्रह, सत्ते एक सौ उन्नीस, प्लस का तीन, तो प्लस का तीन कर दिया, अभी भाग हो रहा है। इसके बाद छह फैक्टोरियल की वैल्यू कितना हुआ भाई, 720। इसके बाद छह फैक्टोरियल आएगा तो 720 उसकी वैल्यू होगी। ये अंडरस्टूड है, लिखा नहीं है, यानी वो 999 तक लिखा, लेकिन कहां तक लिखेंगे, कुछ चीजें समझेंगे, यानी लिखा है ये समझेंगे। 9872 ये जीरो हो जाएगा, इसके बाद जीरो हो गया, अब जीरो हो गया, इसका मतलब यहीं तक खेला था, यानी पांच फैक्टोरियल तक ही हमें रिमाइंडर जो मिलना था मिल गया, और उसी से हमें आगे आंसर बताना है। क्या बताना भाई, देखो तीन तीन जीरो हो गया, और यहाँ पे दो एक तीन, तीन तीन जीरो हो गया, यानी सब कट गया भैया, जीरो डिवाइड बाय नौ, सो रिमाइंडर इक्वल टू कितना, जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आई होप समझ में आ गया होगा। यानी पांच फैक्टोरियल की वैल्यू चाहो एक साथ ऐड करके भी डायरेक्ट आप लोग जो है डिवाइड करोगे तो भी आ जाएगा। जोड़ के एक साथ डिवाइड करो या अलग अलग करो, अलग अलग करोगे आसान हो जाएगा, तो भी आंसर आप लोग निकाल सकते हो। आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं होगा, तो बोलो डाउट नहीं है तो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, प्रैक्टिस हो गई आप लोगों की, नंबर बार बार चेंज होगा बस। अच्छा ये रिपीटिशन वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, रिपीटिशन वाले, रिपीट होने वाले, रिपीट का मतलब ये चाहे वन 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 ऐसे ऐसे हो, टू 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 ऐसे हो, फोर 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 ऐसे हो, सेवन 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 ऐसे हो, मतलब वन से लेकर नाइन तक किसी की भी रिपीटेशन है, इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा एक ट्रिक होती भाई, एक ट्रिक होती क्या, जल्दी से आप लोग अपना मोबाइल उठाइए, कैलकुलेटर उठाइए और चेक करिए, चेक करिए। पहले आप लोग जैसे होता नहीं, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करें, जैसे ऐड देता है वही चीजें ये भी है, चेक करिए भाई। इफ ध्यान से ये लिखिए भी, इफ और चेक भी करिए, इफ रिपीटिशन ऑफ एनी नंबर विथ सिक्स टाइम या टू सिक्स टाइम्स, सिक्स टाइम्स का मतलब ध्यान समझिएगा, एक रूल है, किसी नंबर की छह बार पुनरावृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति का मतलब भाई हम बोले थ्री 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 थ्री, अरे यार ये नहीं, थ्री थ्री, तीन तीन छह तीन है, हम बोले सेवन 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 सेवन, फिर बोले एट 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 एट, समझिए मतलब किसी भी अंक की छह बार अगर पुनरावृत्ति है, इसको आप लोग कैलकुलेटर से चेक करिए भाई, अगर ये पुनरावृत्ति है तो इसका मतलब ये तीन से पूर्णतया विभाज्य है, इसका मतलब ये सात से पूर्णतया विभाज्य है, इसका मतलब ये इलेवन से पूर्णतया विभाज्य है, इसका मतलब ये तेरह से पूर्णतया विभाज्य है, इसका मतलब ये 37 से पूर्णतया विभाज्य है। यू कैन चेक इट, किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति एक चाहे दो तीन चार अगर छह बार है, उसको तीन से विभाजित करो तो पूर्णतया डिविजिबल होगा, सात से डिविजिबल होगा, ग्यारह से डिविजिबल होगा, तेरह से और 37 से, भाई ये कुछ फिक्स नंबर है, नंबर इसीलिए है, इसलिए रिपीटिशन दिया है, जान के इसी नंबर के फॉर्म में दिया जाता है जिससे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सको। देखो जैसे हम बोलते हैं एक 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 तीन से, देखो तीन का डिविजिबिलिटी रूल ही होता है, क्या होता है भाई, सम ऑफ डिजिट ऑफ डिविजिबल बाय थ्री, सो एग्जैक्टली नंबर डिविजिबल बाय थ्री, यानी एक प्लस दो तीन चार पांच छह, यानी छह तीन से डिविजिबल है, यस है, इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है। वैसे अगर छह पेयर के करोगे, अच्छा तीन और सैंतीस की अगर बात करो, ध्यान समझेगा, तीन और सैंतीस की बात करो, एक और रूल होता है भाई, तीन और सैंतीस भी ऐसे भी होते ना,
अगर थ्री टाइम्स भी रिपीटिशन है तो भी डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे मान लो ये सात है ना, सात सात सात, तीन बार होगा तो भी सात त्रिक किस तीन से डिविजिबल होगा, आठ 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 आठ, आठ त्रिक चौबीस, तीन से डिविजिबल होगा। मतलब अगर तीन बार रिपीटिशन होगी तो भी, छह बार होगा तो भी, तीन बार होगा तो भी, भाई तीन बार डिविजिबल है, छह बार डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये तीन और सैंतीस से भी, सैंतीस से भी चेक कर लो। जैसे सबसे आसान है, वन 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 को सैंतीस से करो कितना होगा भाई, सैंतीस तिया एक सौ ग्यारह। तो जो सैंतीस और तीन है ये जो है किसी नंबर का तीन तीन बार रिपीटिशन होगा तो भी होगा। और 11 के बारे में कह सकते हो, क्या ख्याल है भाई 11 के बारे में? तो ये तीन सैंतीस तीन तीन बार रिपीटिशन होगा तो भी कट जाएगा, बाकी एक ही याद रखना, छह बार कोई इशू नहीं है। और 11 के बारे में ख्याल ये है भाई, इवन और ऑड भी होगा, जैसे 11 11 से कटेगा एक होगा, 11 कटेगा एक बच जाएगा। मतलब ये अगर दो बार दो दो पेयर में हो, मतलब दो नंबर अगर 11 से कट रहे हैं दोनों, तो अगले मतलब दो कटेंगे, चार कटेंगे, छह कटेंगे, रिपीटिशन में ये ध्यान देना है। ये भी आई होप इतना समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा भाई। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं इसी के सहारे, सहारे का मतलब इसके थ्रू। सेवन की बात करें, देखो हमें पता है पांच निन्यानवे बार है और एक दो तीन चार छह कटेगा, छह छह बारह कटेगा, अठारह कटेगा, मतलब हर छह छह बार पांच कट जाएगा और निन्यानवे बार है तो छह कटेगा, बारह कटेगा, अठारह कटेगा, छह के टेबल में साठ कटेगा, छाछठ कटेगा। मतलब यह है निन्यानवे में छह का टेबल कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा वो तो पांच गायब हो गया। क्यों? क्योंकि छह छह बार पांच सात से डिविजिबल हो रहा था। तो भाई आप लोग छह के, ये यही तो है ना, ये ट्रिक है ये भाई, इसमें हम कोई ज्यादा जादू नहीं कर रहे हैं, अलग अलग करेंगे तो बहुत टफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो छह से छह एकम छह तीन नौ, छह छह छत्तीस, तीन बचा, मतलब छानबे, या ऐसे बोल दे सोलह छक्का छानबे, सोलह बार जाएगा। मतलब पांच बार जो है, पांच पांच बार मतलब पांच जो है छानबे बार, अगर छे 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 ऐसा होगा छानबे बार, तो पूर्णतया कट जाएगा सात से, हर छे छे का मल्टीपल कट जाएगा, तीन बार पांच बचेगा भाई, समझिएगा। अगर निन्यानवे बार है तो हमें पता है भाई कितना बचेगा, हमें छानबे बार कट जाएगा, सोलह छक्का छानबे होता ना, तो छानबे बार कट जाएगा, बाकी तीन बार पांच बचा होगा। अब सात से भाग कर दो भाई, तीन बार पांच होगा, सात से भाग करना सबको पता है क्या होगा भाई, सात 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 अठे छप्पन ऐसे बोलो, या सात सता उनचास, सात सता उनचास कितना बचा, छह। अरे यार गड़बड़ हो जा रहा, तीन बार हुआ सात, तो हम बोले सात सता उनचास, उनचास के छह पैंसठ, ऐसे करोगे ना जैसे आप लोग करते हो भाई, भूल भूलो नहीं, सात सता उनचास यही करोगे ना, कितना छह फिर पांच बचेगा ना, आंसर देना नहीं, सात नवाई तिरसठ ना, सिक्सटी थ्री, कितना बचा दो, दो ही रिमाइंडर होगा, और चाहे से सात नवाई तिरसठ प्लस दो, यानी आंसर हमारा क्या है भैया, आंसर हमारा दो है, दो आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज करेक्ट, यानी दो आंसर सही, रिमाइंडर दो होगा। तो इन सारे नंबर ध्यान दो, सैंतीस तेरह ग्यारह तीन सात, तीन सात ग्यारह तेरह सैंतीस, ये प्राइम नंबर भी हैं अपने आप में, अपने आप में क्या प्राइम नंबर है। इनसे अगर आप लोग छह बार किसी भी नंबर के रिपीटिशन है, आंख बंद करके कहोगे भैया वो कट जाएगा, अब कट गया, अगर छह बार है तो सातवीं बार आ गया तो बच जाएगा, उसको बचा दो। मतलब जैसे पंद्रह बार है तो छह दुनाई बारह तीन बच जाएगा, चौदह बार है तो छह दुनाई बारह दो बच जाएगा, बस आंसर। तो ये नोट कर लीजिए और चेक कर लीजिए मोबाइल से, और हम सही हैं तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताओ, खुद को सही कर लो, तेरा भी है बिल्कुल भाई, बताइए कितनी बार है, 123 बार है। इसको हमें लगता हम आंख बंद करके बता देंगे, हम नहीं आप लोग बता दोगे आंख बंद करके, क्या बता दोगे, कहोगे सर तेरा कितनी, आठ कितनी बार है, 123 बार है, हमने कहा हर छह छह बार जो आठ आठ होगा तेरह से कटेगा, तो छह दुनाई बारह हुआ, छह दुनाई बारह कितना बचा, तीन बचा ना, मतलब 120 छह से कटेगा, साठ कटेगा तो 120 कटेगा, तीन बार आठ बचेगा, तो एक बार दो बार तीन बार आठ बचेगा, तेरह से भाग कर दो, अभी पहले वाला था इसलिए कह रहे हैं आंख बंद करके करोगे तो सबको पता भाई, तेरह छह अठहत्तर, जैसे भाग करके करोगे चाहे ऐसे करो, कि कुछ लोग ऐसे करेंगे आदत है तो आदत अपनाइए, नहीं तो तेरह छह अठहत्तर दस हुआ, और तेरह कितना हुआ, तेरह सते के तेरह अठे 104, 104 का मतलब यहां पे चार, यानी भाई फाइनल रिमाइंडर कितना हुआ हमारा, चार, यानी करेक्ट आंसर। और नहीं तो ऐसे करो, तेरह से भाग करेंगे, तेरह छक अठहत्तर हुआ, बचा भाई दस, आठ यहां उतारा, तेरह सते इक्यानवे, तेरह अठे 104 हुआ ना, सही कर रहे हैं, तेरह अठे 104 हुआ, तेरह नवैया 117 होता है, ठीक है,
तो 104 हुआ, कितना बचा? चार बचा, तो चार जो बच जाएगा वही आंसर, यानी रिमाइंडर बिल्कुल सही है, नन ऑफ दीज, यानी चार इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। चलिए इसको बताइए, तो और आसान है, क्योंकि 11 का तो और आसान हो जाएगा भाई। चलो फिलहाल बताइए, एक ही तरीका अपना रहे हैं। 11 का एक मतलब ये कहना चाह रहे भाई, देखो किसी का भी रिपीटेशन हो, 11 की अगर बात करो, 11 अपने आप में स्पेशल केस है, 6 वाला तो फॉलो होगा ही होगा, एक और फॉलो होगा क्या भाई? अगर हम बोल दें 3 बार अगर 11 है तो ये 2 बार कटेगा, 4 बार है कट जाएगा, 5 बार है एक बच जाएगा। मतलब अगर इवन टाइम्स होगा, इवन टाइम्स हमेशा कट जाएगा, 2 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 15, 20 बार, 15 नहीं 20, मतलब जितने इवन टाइम्स रिपीटेशन वाले नंबर होंगे सब कट जाएगा। जैसे यहां ऑड है, 293 है, हमेशा एक बच जाएगा, ये ऑड नंबर है यानी एक बच जाएगा, यानी एक बच जाएगा मतलब क्या, एक बच जाएगा 6, एक बच जाएगा यानी रिमाइंडर कितना होगा भाई 6। और दूसरा तरीका देखो कैसे करोगे, तो 6 6 चौक 24, कितना टफ है, 6 चौक 24, 24 5, फिर 6 8 48, 5 बार बचा, तो यानी 6 5 बार डिवाइड बाई 11, फिर देखो 6 6, तभी तो 6 बचा। मतलब 11 एक ऐसा नंबर है भाई, इवन ऑड भी फॉलो करेगा, इवन ऑड का मतलब 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार 20 बार 400 बार, ये 11 से कट जाएंगे, तो 293 है तो 292 बार कट जाएगा, एक बार बचेगा क्या 6, तो 6 में 11 से भाग करोगे 6 बच गया। ये भी तो आंख बंद करके आंसर बता सकते हो, आंख बंद मत करिएगा भाई, मतलब सोच समझिएगा आंख बंद करके तब आंसर बता सकते हो, वैसे नहीं। तो आई होप इतना सभी को समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो चलते भैया दूसरे तरीके पे, यानी और भी पावर वाले जो बचे हैं उसको देखते हैं, और कैसे देखेंगे देखिए ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। अब एक और रूल की, अभी 2 रूल की बात कर रहे हैं, रिपीटिशन वाले फैक्टोरियल, अब तीसरे रूल, इसको सॉल्व करने से पहले एक और रूल देखो। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जैसे अब जो भी नंबर डिवाइड करिए, एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे 2 है 3, हमेशा कोशिश करिए इनमें डिफरेंस 1 आए। यहां चाहे ऐसा भी हो सकता है, जैसे 9/8 डिफरेंस 1 का है, चाहे न्यूमरेटर में ज्यादा आए चाहे डिनोमिनेटर में ज्यादा आए, कोई मतलब नहीं है। या जैसे 400 डिवाइड बाई 401, तो एक तो ये फिक्स टाइप होंगे, हमें एक अंतर लाना है, आसानी से आ जाए अच्छी बात है, आसानी से नहीं आए प्रोसेस से आए तो भी है, आएगा पक्का है, ठीक है, एक लाना है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, जब एक मान लो अंतर है, अब एक का मतलब ऊपर वाला एक ज्यादा हो सकता कम हो सकता, उसका कोई मतलब नहीं है। एक चीज याद रखिएगा भाई कि सबको पता, अगर एक है, हम एक की पावर कोई भी करेंगे, 1 की पावर 1 2 3, यानी एक को कितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आंसर एक ही आएगा, क्या कुछ और बनेगा? एक को कितनी बार भी गुणा करो, 1 × 1 × 1 × 1 × 1, मतलब जितनी बार भी करना हो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप में एक ही रहेगा। हाँ, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, -1 है, -1 में इवन और ऑड चलता है, इवन और ऑड का मतलब दिल्ली वाला रूल नहीं, इवन ऑड का मतलब दिल्ली वाला रूल का मतलब नंबर दिल्ली वाला ही होगा। यहां इवन मींस इसकी पावर 2 हो 4 हो 6 हो, ऐसे सोवान, यानी अगर इवन हो, सम पावर हो। आप लोग बताओ, -1 को 2 बार करोगे तो माइनस माइनस प्लस अपने आप हो जाएगा, 2 बार माइनस माइनस मिलने पर प्लस जाते हैं, 4 बार मतलब अगले 2 बार प्लस जाएंगे, यानी जब इवन होगा तो हमेशा +1 होगा, ये कहने का मतलब, यानी -1 की पावर अगर इवन है तो डेफिनेट जो मल्टीपल आएगा एक को कितनी बार भी गुणा करोगे तो वो क्या आएगा भाई, वो 1 आएगा, ये पता है। बोले किसी को डाउट है? हमने -1 की बात, एक और ध्यान देना है, अगर ये -1, ये अलग से जानकारी के लिए बताया जा रहा है, -1 को अगर ऑड का मतलब 1 3 5 ऐसे सोवान, यानी ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, कितना भी ले जाओ, इवन ऑड दो ही नंबर्स को रिलेट कर रहे हैं, कितनी बार भी ले जाओ, तो अगर हम बोल दें 1 को 3, -1 को -1 × -1 × -1, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हुआ, प्लस माइनस फिर माइनस हुआ, मतलब अगर ऑड बार है तो माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा कि एक बार हमारे सर थे, पढ़ाते थे हमें, जो बच्चे गांव के बच्चे होते थे ना, मतलब हमें बहुत अच्छे से याद है कि फिलहाल हम स्टार्टिंग में जो है स्कूलिंग हमारी गांव से हुई थी, वहां वो बताते थे कि जो है जब बच्चे प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस होगा, तो भूल जाते थे बच्चे,
उन्होंने ऐसा कहा, अच्छा बताइए प्लस को उन्होंने बोल दिया भाई, प्लस का मतलब भाजपा, माइनस का मतलब कांग्रेस। तो उन्होंने ऐसे कहा भैया अगर भाजपा भाजपा लड़ेगी यानी प्लस प्लस लड़ेगी कौन जीतेगा, सर भाजपा जीतेगी। माइनस माइनस लड़ेगी यानी कांग्रेस कांग्रेस लड़ेगी कौन जीतेगा, फायदा सर भाजपा का होगा। अगर भाजपा कांग्रेस लड़ेगी, भाजपा कांग्रेस लड़ेगी सर कांग्रेस जीतेगी। मतलब वो ऐसे बताते थे कि सेम साइन को मल्टीप्लाई करोगे, चाहे कांग्रेस कांग्रेस लड़े चाहे भाजपा भाजपा लड़े, हमेशा भाजपा जीतेगा यानी प्लस होगा। अगर डिफरेंस साइन को मल्टीप्लाई करो माइनस होगा। ऐसे बहुत बेहतरीन अलग अलग तरीके से, जैसे हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर या क्यूब ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, वैसे वो बड़े अच्छे अच्छे ट्रिक बताते थे और बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ते भी थे और याद हो जाता था। खैर वो याद कराने के लिए था, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं कि इतना याद कराना पड़ेगा, आप लोगों को पहले से पता है। इतनी छोटी चीजें बस एक वही होता ना कि दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, वही हाल है। और अदरवाइज आप लोगों को याद करना पड़ेगा, वो सब कहावत की चीजें हैं। फिलहाल इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। हम बोलते हैं इसकी पावर 2, 3, 4, 5, 9 जो भी, इसकी पावर 9, 8, 9, 9, 9, इसकी पावर 8, 8, 8, 8, 3 कुछ भी बोल दे भाई, ऐसे कर दे। अब आप बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। तो कहोगे सर इसका तरीका समझिए क्या कहना है। तो सबसे पहले दो में ध्यान दो, इसकी पावर भूल जाओ। दो में हम तीन से भाग करें, दो में तीन से भाग करें तो रिमाइंडर प्लस वन और माइनस वन का डायरेक्ट मिलेगा, उस फॉर्म में रखना है। तो कहोगे सर दो में अगर तीन से भाग करेंगे तो तीन इक्कम तीन यानी माइनस वन रिमाइंडर बच जाएगा। अब माइनस अगर बन गया तो 2, 3, 5, 4, 9 जो भी है डिवाइड बाई 3, मतलब दो में अगर तीन से भाग करें तो ये दो मतलब माइनस वन यानी दो से भाग करने पर माइनस वन रिमाइंडर ले लिया माइनस वन। अब उसकी पावर करो, अब माइनस वन को अगर 8 बार करोगे तो माइनस वन मिलेगा भाई, और माइनस वन अगर मिल गया तो माइनस वन तीन और माइनस मिल गया तीन में एक डिवाइड कर दो, मैं तीन में घटा दो, रिमाइंडर कितना 2, आंसर 2। ये कहने का मतलब कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, ध्यान समझिएगा। फिर अभी क्वेश्चन में लेके जाते हैं, लेके जाते नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसे 9 में 8 से डिवाइड करो प्लस का 1, अब 1 की पावर 8, 9, 9, 9 कुछ भी मिल गया डिवाइड बाय 8, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 आएगा डिवाइड बाय 8 यानी रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर क्या होगा भाई, 1 आएगा। जैसे 400 डिवाइड बाय 401 तो क्या करोगे, अभी हम बता रहे हैं लेकिन समझने के लिए देखो क्या करोगे भाई। यहां पे माइनस 1 ना, माइनस 1 की पावर 8, 9, 8, 9, 8 डिवाइड बाई 401, ठीक। हम कहते हैं माइनस 1 अगर इवन बार होगा तो क्या आएगा, माइनस 1 को कितनी बार भी गुणा करो भाई प्लस 1 बनाएगा, तो प्लस के 1 में 401 से भाग करो क्या होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये खेला है कि उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को का जो डिफरेंस है उसको हम इक्वलाइज कर ले, यानी एक अंतर आए तो रिलेट करें। चलो फिलहाल कुछ नंबर रिलेट होंगे और कुछ नहीं होंगे, जो होंगे डायरेक्टली बताएंगे, नहीं होंगे तो उनको डायरेक्टली करेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अरे यार ये समझ में आ गया था ना माइनस वन वाला, ठीक है। देखो इसको ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं भाई, 62 है, 7 9 63, अगर 62 में हम 7 का टेबल ले जाएं, इसको ध्यान दो 7 9 63 एक बार ज्यादा ले गए यानी ये माइनस वन, हम इसको पावर छोड़ दो भी, 62 में 7 से भाग करो माइनस वन तो माइनस वन की पावर बाकी जैसे है, अब इसको ध्यान दो 8, 9, 3, 5। आप लोग कहोगे भाई माइनस वन को अगर ऑड बार यानी विषम बार गुणा करेंगे तो माइनस वन आएगा सर, और माइनस वन आएगा तो अच्छी बात है, अगर रिमाइंडर माइनस में होगा एक में तो भाग जाएगा नहीं, तो 7 में से 1 घटा दीजिए सर रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा, बिना किसी रूल के आप लोग डायरेक्टली बता लोगे, बिल्कुल सही बात है और बता लिए, वेरी गुड। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से देखो, 78 है यहां पर, देखो 79 है, 79 को 13 से भाग करो, 13, 6, 78 प्लस 1 यानी प्लस 1 आया रिमाइंडर, तो प्लस 1 यानी 1 की पावर 8, 9, 5, 4, 8 कुछ भी करो भाई क्या आएगा, 1 ही आएगा, कितनी बार गुणा करो तो 1/13 तेरी रिमाइंडर क्या आएगा भाई, देखते ही बता दो 1 आएगा सर, मतलब 1 की पावर कुछ भी होगा 1 आएगा, 1 को कितनी बार भी गुणा करो क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल सही है आंसर, आई होप सॉल्व कर लेंगे। ओके बाकी आप लोग जो है सर को जानते होंगे, और संपूर्ण हिंदी ध्यान समझिएगा, हिंदी की अगर बात करें बहुत सालों से सर का एक्सपीरियंस रहा है और अलग अलग एग्जाम को लेकर रहा है, जिनको ज्वाइन करना है यू कैन। और चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, दिस ध्यान समझिएगा दिस क्वेश्चन, कुछ तो डायरेक्ट पता है कुछ डायरेक्ट नहीं होंगे तो इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा, फिलहाल ये डायरेक्ट है। देखो
इससे कोई मतलब नहीं, अब इसको पहले इग्नोर करो, इसको समझो। 9 चौक 36, 44 और 9 पचे 45, कितना? एक बार ले गए नहीं, माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर की पावर रिमाइंडर हो जाता है, ध्यान समझिए, 89999/9, मतलब हमें उस नंबर को डिवाइड करना है, रिमाइंडर ढूंढना है, उसकी पावर रिमाइंडर वन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और समय वन आ रहा भी तो जरूरी नहीं हर बार बनाएगा, लेकिन यहां आ रहा है। तो माइनस वन की पावर 9n का मतलब माइनस वन मिलेगा डिवाइड बाई 9, मतलब फाइनली रिमाइंडर क्या मिलेगा भाई, तो 9 माइनस वन का मतलब 8। मतलब एक लाइन में इतना फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं याद कर रहे, एक चीज समझेंगे और डायरेक्टली बता देंगे। 45 माइनस वन की पावर 8 है तो माइनस वन, 9 में से माइनस वन यानी 8, ओरल बता सकते थे लेकिन समझने के लिए है भाई ये। ओके, 2 और 9 का गैप बहुत है, माइनस 7 करेंगे नहीं। देखिए, जब माइनस वाला किया करिए तो हमेशा माइनस वन ही किया करिए, बाकी प्लस वाला आप लोग इंडिपेंडेंट है। अब देखो जो है, क्या ऐसा जो दो है ना, इसकी कुछ पावर इसके नियरेस्ट में अंतर एक आ सकता है या और नजदीक, जैसे 7 है अंतर को कम करो, तो 2 का स्क्वायर देखो 4, 4 भाई बहुत गर्व है। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और एक चीज ध्यान दो, a की पावर m की पावर n, ये क्या होगा, a की पावर m इंटू n होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। तो हम अगर बनाना चाहें, ध्यान समझिए, जैसे हम कहें a की पावर 6 है, तो हम इसको ये कह सकते हैं a स्क्वायर का होल क्यूब, अगर स्क्वायर में करना है, और क्यूब में करना भाई a क्यूब की पावर 2, मतलब जिनमें करना उससे डिवाइड कर दो। अगर हमें ये करना होगा कि भाई ये a की पावर 6 है, 4 में कन्वर्ट करिए, तो क्या करोगे, a की पावर 4 और इंटू बचेगा a की पावर 2, भाग हो जाएगा, ठीक है, 4 में करना है, 2 में 3 में कर लोगे। तो वैसे हम करें भाई, यहां 8 का मतलब 2 के क्यूब को करो, 2 का क्यूब में हमें इसे करना है, तो 2 का क्यूब का मतलब भाई 3 से भाग करोगे ना, तो ये अभी इंडिपेंडेंट था, तो इसका मतलब इनमें फैक्टर 3 का कितना है वो लिख दो, तो 3 6 18 यानी 60। हम इसको ये कह सकते हैं भाई, नहीं कह सकते, यस कह सकते हैं, और कह सकते क्या कहेंगे, बिल्कुल सही है, हम कह दें 8 की पावर 60 बटा 9, और क्यों किया भाई, यहां एक आसानी से मिल रहा है, तो 8 का मतलब माइनस वन हुआ ना, माइनस वन की पावर 9, और माइनस वन की पावर 60 बार करोगे तो 1 ही आएगा, यहां 9, तो भाई रिमाइंडर कितना होगा, एक आएगा नहीं है, समझ में आया क्या कह रहे हैं, अपने आप एक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ढूंढेंगे, अभी देख कुछ नहीं मिलेंगे, हम वहां तक लाएंगे, तो पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, जब तक रिमाइंडर यहां इनके बीच का अंतर बनना आए तब तक हम जो है इसकी पावर को चेंज करते रहेंगे, और करते 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 हो ही जाता है, जानते ही हैं। चलिए फिलहाल टेस्ट, आई होप समझ में आ गया होगा, तो इसको बताओ, देखते ही समझ में आ गया होगा कि सर 3 की पावर 2 43/8 है, तो 8 और 3 में देखो 3 का स्क्वायर 9, भाई कितना आसान हो गया, 3 का स्क्वायर 9 है, तो यानी 3 के स्क्वायर में इसको करना है, तो 3 के स्क्वायर यानी 2 से भाग करो, तो कहोगे 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, 2 एकम 2, 1 बच गया, यानी 3 की पावर 1 बच गया, मतलब 121 का 2 गुना 242 हुआ ना, 243 से 1 बच गया, मतलब कितना 2 की पावर में जा रहा है, जो बच गया लिख दो उसको, और डिवाइड बाय 8, बिल्कुल 8 यहां कर दिया, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, समझिए, सॉरी 2 नहीं है यार, 3 है, ध्यान समझिएगा, 3 है ना, 3 की पावर 2 का मतलब 9, अभी हम ऐसे लिखते हैं 9 की पावर 121, लिखने की जरूरत नहीं, समझने के लिए है, डिवाइड बाय 3 यहां 8। अब भाई 2 मल्टीपल है तो दोनों में अलग अलग भाग करते हो, अभी हमने बहुत पहले सीखा था, तो 9 में अगर 8 से भाग करोगे तो 1 आएगा, तो 1 की पावर 121 हो गया, इंटू 3 में भाग करोगे तो 3 ही आएगा, लिख देते हैं यहां 8, तो क्या करोगे भाई, 1 की पावर 121 1, और 3 में भाग किया 3 आया, तो 1 इंटू 3 3/8 का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर भैया हमारा 3 हुआ, यस सही आंसर, बोलो कोई डाउट है किसी को, किसी को डाउट है प्लीज कंफर्म करिएगा, यानी 9 लाने के लिए स्क्वायर में कन्वर्ट किया, जो 2 का टेबल जितनी बार जाएगा, ठीक है, जो बच जाएगा वो, यानी इसका मतलब 3 की पावर बचा है कि नहीं, पावर यानी a की पावर m, a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी बेस बराबर होगा, पावर आपस में जुड़ती हैं, जो नहीं कटेगा वो तो वहां लिख दोगे मल्टीप्लाई में। ओके, समझ में आ गया, यस समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो बिल्कुल भाई डिस्कस करेंगे और फिर से बताएंगे। 3, अब सोचो भाई 3 80 के नजदीक कब तक है, 3 त्रिका 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27, बस 3 4 पावर कर सकते भाई,
तीन की पावर चार का मतलब 81, यस नजदीक हो गया। थ्री की पावर फोर भाई आ गया समझ में क्या, थ्री की पावर फोर, तो थ्री की पावर फोर का मतलब क्या हुआ, 81 होता है, ध्यान समझेगा। तो चार में करेंगे तो तीन की पावर चार, और चार से भाग करेंगे, चार इक्कम चार, दो छे चार छक 24 है कि नहीं, और चार इक्कम चार, ध्यान समझिएगा, बचा कितना, ये तीन की पावर एक बच गया। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, हम क्या कहना चाह रहे हैं भैया, हम ये कहना चाह रहे हैं जो 645 पावर है, चार के कितने मल्टीपल है, तो चार इक्कम चार ही करोगे, दो यहां चार उतारोगे, चार छक चौबीस, मतलब कोई मतलब है ही नहीं पहले, अच्छा लिख देते मतलब है, क्योंकि वो वही तो है, चार छक चौबीस हुआ, जीरो कोई बढ़ाने का मतलब है नहीं, फिर जो है चौबीस ही हुआ, पांच उतारेंगे तो चार इक्कम चार हुआ ना, यानी एक पावर बच गया, इसका मतलब क्या बच गया, तीन की पावर एक बचा हुआ है, तो लिख दो भाई, ओके 80, ध्यान समझिएगा। अब इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ, सॉल्व करेंगे, जरूर सॉल्व करेंगे, आंसर भी बताएंगे, और क्या आएगा आप लोगों का, आई होप कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा होगा। तीन की पावर चार का मतलब 81, तो 81 में अगर 80 से भाग करोगे, एक एक की पावर कितना भी होगा भाई, एक ही आएगा, इंटू तीन है, डिवाइड बाई 80, तो यहां से एक की पावर कितना, एक हुआ, तीन बाई 80, यानी रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर सर तीन होगा, समझ में आया ना, यहाँ एक और तीन बटा 80 का मतलब, यानी 80 से कम नंबर है वही रिमाइंडर हो जाता है, प्लस में है, इसका मतलब सही है। बोलो कोई डाउट है तो आई होप क्लियर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। चलिए 10 क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग सेशन खत्म करेंगे, नेक्स्ट समय रिलेट करेंगे। आप लोग बताओ बिल्कुल, अब प्रैक्टिस के लिए क्या है भाई, यहाँ प्लस का चार माइनस का वन हुआ ना, तो ओरली बता दोगे माइनस वन की पावर 659, ये आप लोग के टेस्ट के लिए था, माइनस वन और भाई फाइव का मतलब कितना हुआ, यानी फोर इज द करेक्ट आंसर, रिमाइंडर क्या होगा, फोर आ जाएगा, देखते ही आंख बंद करके बता देंगे, सही बता रहे हैं, यस 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 सही आ रहा होगा। ओके दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे क्लास, बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। अब अलग अलग है भाई, अलग अलग करोगे कैसे, देखो यहां पे, अच्छा ये होमवर्क देते हैं आप लोगों, क्योंकि ये बता चुके हैं, अलग अलग करोगे और अलग अलग करके इसमें बताओगे क्या रिमाइंडर होगा, और ये इंतजार रहेगा भाई कमेंट बॉक्स में, क्या कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। आप लोग रिप्लाई नहीं करते भाई कमेंट बॉक्स में, बस कुछ लोग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, ये सब नहीं, क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, नहीं आएगा तो बिल्कुल हम हैं आप लोग साथ, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, अगर हमने कोई क्वेश्चन डाउट करके छोड़ दिया तो डाउट ही रहता है, हमने देखा है बहुत सारे में, अगर हमने कहा था हाँ ये डाउट है तो डाउट वही डाउट रहेगा, अरे डाउट क्लियर करो भाई, हम हैं आप लोगों के साथ। चलिए नेक्स्ट समय कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त के रहिए, और थैंक यू, पढ़ते भी रहिए भाई।